अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सलमान खान का कत्ल करने वाले और मंसूबा बनाने वाले लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन से पहले यानी जनवरी में ये लोग सलमान खान का कत्ल करने के लिए निकले थे। और सलमान खान जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, किससे बात करते हैं और कब अपने घर को आते हैं और कब निकलते हैं, ये सारी प्लानिंग कर रहे थे और इनके मकान में लगातार 3 दिन से नजर बनाए हुए थे। दरअसल ये काम को जो करवा रहा था उसका नाम विष्णुवी है, जो राजस्थान की जेल में है। इस पर कई इल्जामात है कत्लों के और उसूली के। इसका खास जो आदमी था राहुल अलियास संगा अलियास बाबा, ये शार्प शूटर है। इसको ये काम दिया गया कि सलमान खान का कत्ल करना है। इसने अपने और साथियों के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था। अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया हमारे मुल्क में, इसके बाद ये लोग भी लॉकडाउन के होने से काम को अंजाम नहीं दे पाए और इसी दौरान सलमान खान भी अपने फार्म हाउस पर रह रहे थे। दूसरे केस में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और तहकीकात जब की तो पता चला कि ये लोग सलमान खान का कत्ल करने की साजिश कर रहे थे और अनकरीब ये पूरी तरीके से साजिश को भी अंजाम दे देते अगर वो लॉकडाउन ना होता या फिर फरीदाबाद पुलिस कोई दूसरे मामले में कार्रवाई करते हुए इनको नहीं गिरफ्तार करती। अगर इसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया और इन सारे लोगों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। बाद अजां मीडिया से बात करते हुए पुलिस के आला अहदेदार ने यह कहा कि ये कत्ल करने की असली वजह यह है कि हिरन केस में जोधपुर का जो वाकया था उस सिलसिले में सलमान खान बाइज्जत बरी हुए हैं। वैष्णवी को यह मंजूर नहीं था और यह नाखुश था और यही वजह थी कि उसने ये ठान लिया था कि सलमान खान का कत्ल करेंगे। बहरहाल पुलिस मसरूफ तहकीकात है और पुलिस की अच्छी कार्रवाई की वजह से सलमान खान आज हमारे दरमियान है। सैयद अरशद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। जो राहुल है इसको लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट दिया था कि सलमान खान जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं उसकी रेकी करने के लिए इसको टारगेट दिया था, फिर उसके बाद हम उसका नेक्स्ट प्लान करेंगे। तो ये लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्शन पे और बॉम्बे बांद्रा में जो इसका अपार्टमेंट है वहाँ पे गया और इसने उसकी रेकी की। पूछताछ में जो इसका खुलासा हुआ, इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसको सलमान खान जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एक्टर हैं उनकी रेकी के लिए इसको भेजा था। उसकी वजह रंजिश वो इसमें यही बता रहा है कि भाई इसमें जो इसने जो इनका जो प्रीवियस जो वो हिरण कांड था जो सभी को पता है आपको उनका एक केस था, उसमें उनके बरी होने पे उसको वजह रंजिश यही थी कि भाई इसको हम अपने सिरे से कुछ ना कुछ इसको वारदात। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुली स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड कार्विंग अ निच फॉर इटसेल्फ, सक्सेस जूनियर कॉलेज प्राउडली इंट्रोड्यूसिंग Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.